हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल बैठी हूँ बाहर धूप सेकने के लिए। आज इतनी अच्छी है नहीं धूप, देखो कुछ मौसम ऐसा सा है, मतलब बादल बादल हो रहे हैं, धूप बहुत कम है। और यहाँ चीकू अपनी मस्ती में, फिलहाल नहा के फ्री हो गई हूँ, बैठे हैं। लाइट भी चली गई आज फिर से संडे, कल तो पूरा दिन पावर कट था तो हम चले गए थे कल, तो फिर इतना पता नहीं चला। 3 बजे हम चले गए थे, आज भी लाइट चली गया, पता नहीं कब आएगी। मम्मी डाल रहे हैं लियो को खाना और चीकू को जा रहा हूँ। डंडा चक्के डारा सिंह बनता है, उसको रोटी नहीं पसंद आई पीछे। हाँ जी, क्या कर ले हम लियो। सो गया मेरा चीकू, चीकू सो गया और लगाया आगे हीटर। यहाँ पे बैठे हम दोनों माँ बेटा, तो फिलहाल सुलाती हूँ उसको नीचे और इसके साथ थोड़ी देर खुद भी सोती हूँ। फिर जब उठेंगे तो हमको जाना है आज, शायद हम 16 निकलें आज, ज़रूरी काम है उसके लिए, तो बताऊंगी मैं कि क्या काम है। पर अगर निकले आज तो ही बताऊंगी, अदरवाइज नहीं। बाकी कल तो जाना ही जाना है, तो फिर आपको दिखाएंगे अपना सोलन। अब आपको सोलन दिखाएंगे अपना कल। बाकी चीकू भी सो गए हैं, क्योंकि हम फैल के सोए हैं मज़े से। शूज़ मैंने इसके खोल दिए और मैं इसको लेटाती हूँ नीचे। ये कुछ मौसम ऐसा है आज का, बाहर धूप लगी है, ठंडी ठंडी धूप। मम्मी भी नीचे बैठे सीखने। मैं जा रही थी नीचे, मेरा आया है कोरियर, तो मैं लेके आती हूँ फटाफट से मेरा कोरियर। कंगी कन्या भी बढ़ू, कंगी भी निकल चीकू को सुलाया है और मैं चली कोरियर लेने। ये ले लिया मैंने अपना कोरियर, अब मैं खोल के दिखाती हूँ ऊपर। तो ये है मेरे कोरियर में, मैंने ये फ़ोन रखने के लिए स्टैंड मंगवाया है, सिर्फ और सिर्फ 74 रुपीज़ का। ये स्टैंड है और इसमें मैं फ़ोन रख के मैं वीडियोस देख सकती हूँ, नहीं तो फिर फ़ोन ऐसा नीचे रखना पड़ता है। अब इसमें रख के हम देखेंगे वीडियोस। तो कोरियर मेरा हो गया बॉक्स, तो अब चलते हैं चीकू के पास। मेरे चीकू अंदर है तो वो सोया हुआ था, मैं उसके पास जाके सो जाती हूँ। बाकी चलो बाद में ले जाऊँगी कल। मेरा चीकू गया है उठ, और उठ गया है ये, काफ़ी देर होगी इसको उठे हुए। मैं दीदी की वीडियो कॉल आई थी तो हम उनसे बात कर रहे थे, ये उठ गया है कब से, तो क्या बोल रहा है ये इसको इसको सुला रहा है, इसको खिला रहा है। मेरे को बोला इसको उगू पिला, टोपी लगाएगा अभी इसकी। बहुत मजे से खेल रहा है इसके साथ, लगा दो इसकी टोपी, इसको टंडू लग जाएगा ऐसे। चलो सुला दो, हाँ सुला दो। अब हुआ हमारा टाइम इवनिंग स्नैक्स का, उसमें बन रहे हैं आज फ्राइड राइस, क्योंकि चावल बचे हुए थे, हमने दिन में कुछ खाया नहीं क्योंकि हम सुबह ही आजकल ब्रेकफास्ट लेट करते हैं, तो फिर इसमें खाते हैं। प्याज हमारे हो गए हैं, ये पतीली मैंने रख दी है रिफाइंड, चावल में निकाल के हो गए मेरे फ्राइड राइस रेडी, सिर्फ मिनटों का काम है। चीकू पिला रहा है अपने गुड्डे को दूध। चल ऐसे कर लेते हो, चल उगला, चल चल उगला, चल उगला, चल
लागो कर भी तो ओ करी हो ओ कर लाडू कर काकू कोटा करे जेंट हुआ लाडू कर रहा है ना पापा को बोल आप पिला दो पापा को दे दो हम आ गए हैं गाड़ी में और हम जा रहे हैं पनीर लेने क्योंकि मम्मी का मन कर रहा था मटर पनीर खाने का तो हम चले पनीर लेने के लिए बाकी मेरा चीकू तो आप देख ही रहे हो साथ है और ये है नैनो हमारी नैनो और ये मार्केट शीशे जरा बहुत गंदे हुए हुए ये बाहर थी ना तो उससे वो चले गए बाप बेटा दोनों पनीर लेने के लिए। यहाँ का पनीर इतना टेस्टी है ना मतलब सॉफ्ट बहुत अच्छा पनीर है यहाँ का। और इधर है सामने सूरज स्वीट मतलब फेमस है ये हमीरपुर के स्वीट्स इनकी 3-4 आउटलेट है। उधर चिकू मेरा पनीर लेकर आएगा और मैं बैठ गई हूँ इनके इंतज़ार में कि कब तक आएंगे। तो हम लोग सोलन नहीं गए क्योंकि ये लेट आए तो फिर लेट आके क्या करते रात को सफ़र करके अंधेरे में एक तो फॉग हो जाती है फिर दिक्कत हो जाती है गाड़ी चलाने में। तो कल जाएंगे हम सुबह निकलेंगे यहाँ से 5-6 बजे के करीब तो पहुँच ही जाएंगे मतलब कल ही है हमारे को मोस्ट जो ज़रूरी काम है कल ही है वो कल करके फिर निकल आ जाएंगे परसों आएंगे फिर वापस कल रहेंगे सोलन में। तो कोई बात नहीं कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए तो कल जाएंगे सुबह। बाकी घर जाके बनेगा आज मटर पनीर तो आपको भी दिखाएंगे। हम आ गए घर वापस पनीर लेके तो चले हम फटाफट ऊपर नीचे लगा रहे हैं वो नैनो पार्किंग में दिखाती हूँ वो रही हमारी नैनो और हम चले घर। ठंडी बहुत है बाहर। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन आए हैं ये कर रहे हैं रॉड ठीक और इस रॉड का साइज देखो इस रॉड का ये जबरदस्ती इसमें अड़ाने के लिए बैठे हुए इसको कि मैं जबरदस्ती लगाऊंगा इसमें चिढ़ा दो इसको ऊपर को आ जाएगी इसमें yes. चलो दिखाओ तो साइज में दिखाओ पहले दोनों इकट्ठी करके दिखाओ पहले ऐसे दिखाओ ना ऐसे ओ रुक जाए यार इतना फर्क है इतना ये देखो कितना फर्क है और ये जबरदस्ती लगाने की बोल रहे हैं इसमें वो पकड़ना वो अपना पकड़ ले तब पकड़ी मैंने ये बहुत गर्म है। तो पूरी तैयारी हो गई है अदरक लहसुन प्याज और टमाटर कद्दूकस करने बाकी सब कुछ मटर छिल चुके हैं कुकर चढ़ चुका है तो बस अब सिर्फ लगेगा तड़का। गैस भी चल गई और लगेगा तड़का तो तड़का लगाएंगे हम तेल से। आज मैंने पकोड़े बनाए थे रिफाइन से तो मेरे पे हंस रहे थे कि रिफाइन से पकोड़े बना दिए तो मैंने तेल डाल दिया। मैं फटाफट से तड़का लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मटर तो तैयार हो गए पर पनीर की हालत देखो चिकू ने क्या करी समझ नहीं आ रहा इसे कैसे काटूं मैं। चिकू की थाली में रोटी देखो और ये खा नहीं रहा पता नहीं क्या चाहिए इसको दादा चपाती चाहिए इसको चपाती दे दो डिनर फुलका चाहिए था इसको बब्बा बब्बा कर जा रहा। हो गया हमारा डिनर और फिलहाल चिकू कर रहा है मस्तियाँ इसको नहीं आ रही आज नींद तो टाइम हो रहा है देखो अभी 9:45 आज हमने बहुत जल्दी डिनर कर लिया बहुत ही ज़्यादा जल्दी इधर सर तो सो गया क्योंकि हमने सुबह जल्दी निकलना है तो हमने जल्दी जल्दी डिनर कर लिया तो अब हम जल्दी सो जाएंगे सोएंगे तब जब लड़के को नींद आएगी। तो व्लॉग एंड नहीं करते कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ नए दिन के साथ बाय बाय।
बाय बाय, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। करो बाय बाय, फ्लाइंग रिसीव करो।